नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। विधानसभा में माओवादी, आखिर ये मामला क्या है? विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में ये कहना कि विधानसभा में कौन माओवादी है या विपक्ष के विधायक द्वारा सरकार से ये पूछा जाना कि वो बतावे कि विधानसभा में कौन माओवादी है, परेशान करने वाली बात है। दरअसल भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने सरकार से ये पूछा है कि सरकार ये बतावे कि विधानसभा में कौन माओवादी है। इसका कारण ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक ने अपने वक्तव्य में ये कह दिया कि विधानसभा में माओवादी घुस आए हैं। तो महबूब आलम इस मामले में क्या कहते हैं, जरा देखिए। कुछ तर्क भी होता है। सही बात, सुनिए बोले महोदय, हमें गाली दी गई महोदय, हमें माओवादी कहा गया महोदय, हम आसन से आग्रह करते हैं सरकार बयान दे यहाँ कौन है माओवादी, सरकार बयान दे महोदय माओवादी कौन है। बिल्कुल माओवादी कोई सदन में रहने का अधिकार नहीं है महोदय, ये गाली सुनने के लिए, सदन का अपमान करने के लिए हम जनता की रहनुमाई नहीं करते महोदय, सदन से माफी मांगे महोदय। ठीक है, कौन माओवादी है सरकार बयान दे महोदय, सरकार बयान देगी आज गृह विभाग पर महोदय। आप महोदय जी सुन लीजिए, आज गृह विभाग पर बात है महोदय, सरकार को तो बयान देना है। हम कौन है माओवादी, सुन लीजिए सुन लीजिए। आसन ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी असंसदीय शब्द, भाषा या असत्य बातें प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे। बोलिए, आप महोदय, बोलिए, गाली देने का हक नहीं है महोदय उनको, महोदय उनको गाली। आत्मसंयम सबके लिए आवश्यक है, पक्ष और प्रतिपक्ष बिल्कुल सहमत है महोदय। हाँ, लेकिन आगे बढ़िए, आप बढ़िए, सदस्य आगे बढ़िए। सरकार का गृह विभाग पर बहस हो रहा है महोदय, और अभी सरकार का दायित्व बनता है महोदय कि आज गृह विभाग के साय में, बहस में हमें माओवादी कह के गाली दी गई, सरकार बयान दे कौन है माओवादी, सरकार का बयान चाहिए महोदय। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पूरी बात को रखिए, सरकार बयान देगी, सरकार अपनी बयान देगी, आप पूरी बात रखिए। अभी दे अभी अभी दे महोदय, आपके निर्देश का पालन नहीं करेगी वो, उचित समय पर जो उनका है उसमें बयान देगी, आप अपनी बात कहिए। तो सुना आपने महबूब आलम ने क्या कहा? असल में इन दिनों बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और यह सत्र काफ़ी गहमा गहमी वाला है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तीखा वार कर रहा है और ऐसे में ये नोकझोंक कुछ इस कदर गिर जा रहा है कि पूरे विधानसभा का जो की गरिमा होती है उस पर भी कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा ये कहा जाना कि सदन में माओवादी घुस आए हैं, इस पर कड़ी आपत्ति जताई महबूब आलम ने और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि सरकार ये बतावे कि आखिर वो माओवादी कौन है। ऐसी बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विधानसभा के गरिमा को गिराती हैं और जब विधानसभा सत्र चल रहा हो उस समय किसी माननीय सदस्य द्वारा एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप या प्रत्यारोप करना, यह भी कहीं ना कहीं विधानसभा के गरिमा को गिराता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसा जो एक आकृति है उसको दबाना न भूलें और बने रहें राजनीतिक और सामाजिक बिहार के ज्वलंत मुद्दों के लिए। धन्यवाद।